नमस्कार, न्यूज डाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता द्वारा आज फिर कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें आजम खान को डॉक्टरों द्वारा टेस्ट रेस्ट करने को कहा गया। इस पर कोर्ट ने 20 जनवरी आजम खान को कोर्ट में व्यक्तिगत और तौर पर पेश होने की तारीख मुकर्रर की है। वही बार बार कोर्ट में न आने पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने मीडिया के सामने नाराजगी व्यक्त की। कहा, तबीयत खराब है लेकिन मुंबई कोर्ट में जा रहे हैं और रामपुर की कोर्ट में नहीं पेश हो रहे हैं। आजम खान को जमानत इसलिए दी गई थी कि कोर्ट में जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह आज आएंगे। आजम खान कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस विषय पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। चलिए, आज भड़काऊ भाषण वाले मामले में आजम खान की 313 लगी थी, आज क्या मामला हुआ, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? देखिए, मुकदमा अपराध संख्या 130/2019 थाना शहजाद नगर का जो भड़काऊ भाषण से संबंधित मामला है, जिसमें मोहम्मद आजम खान साहब जो है अभियुक्त हैं, उनकी 313 का बयान अंकित करने हेतु आज नियत थी और मोहम्मद आजम खान साहब को माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया था, लेकिन बचाव उनके अधिवक्ता के द्वारा आज एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि उनकी तबीयत खराब है और इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर ने एक सप्ताह के लिए रेस्ट दिया है, करने के लिए सलाह दिया है। यह जो है मेडिकल रिपोर्ट जो थी ये रामपुर की थी और इसी प्रकार की पिछली तिथियों में भी इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि मुंबई में गए हैं और मुंबई का मेडिकल रिपोर्ट लगाया था, इसको मेरे द्वारा आपत्ति की गई थी। माननीय न्यायालय से कहा गया कि विषय तीन तिथियों से 9 तारीख को भी, 10 तारीख को भी, 13 तारीख को भी और आज भी 313 में लगातार नियत हो रही है और ये जानबूझ कर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख को, 10 तारीख को और 13 तारीख को जो है यह यहीं पे थे और वहाँ मुंबई के न्यायालय में इसी हालत में मुंबई गए, चले जा रहे हैं, मुंबई से यहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस न्यायालय में यहाँ आने पे जानबूझ कर लापरवाही कर रहे हैं, माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जमानत का जो दुरुपयोग कर रहे हैं। जमानत जो दिया गया था तो ये था कि आप जब न्यायालय बुलाएंगे लाएंगे, ये कहा गया था माननीय न्यायालय से मेरे द्वारा कि जानबूझकर अपना बयान अंकित नहीं कराने जा रहे हैं, न्याय में बाधित कर रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा जो है उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 20/1/2023 को 313 के लिए पुनर्निर्यात नियत किया गया है और ये निर्देशित किया गया है उनको कि अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और अपना बयान अंकित कराएं। अच्छा, 20 तारीख को इसकी भी 313 की तारीख लग गई और जन प्रमाण पत्र की भी 313 है, दोनों 313। हाँ, उनके अधिवक्ता द्वारा ये कहा गया था कि 20 तारीख को लगी है, उस दिन भी इसको भी लगा दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।